अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि ये सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और इसका पहला लेक्चर मैंने रखा था, आपने देखा होगा ज़रूर। और ये जैसा कि ये सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत अच्छा कानून है, ये ग्राहकों और जो कंज्यूमर है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। ये इसके दो वीडियोस मैं पहले रख चुका हूँ इंट्रो के, आप मेरी वीडियोस में देखेंगे या इसमें डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक दे रहा हूँ, उसमें देख सकते हैं आप। आज ये कम पिछली वीडियो में मैंने कंप्लेनेंट कंज्यूमर तक आपको बताया था कि कंप्लेनेंट कौन हो सकता है। कंप्लेनेंट बंदा ख़ुद भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी उनके बिहाफ पे हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और काउंसिल भी हो सकती है। अगर बंदे को किसी को दो नंबर चीज़ मिल जाए, बेकार चीज़ मिल जाए, वो अगर दरख्वास्त दे दे, तो ये तीन फोरम हैं उनके फौरी रिड्रेसल कि अगर दोनों भर चीज़ हम जो छोटे में छोटी बड़े में बड़ी घर में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक हो, शैम्पू पाउडर हो, कोई किसी भी किस्म की शॉप से जो हम ख़रीदते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, वो उसमें सर्विस भी आ जाती है। तो आज आगे दो तीन चीज़ें बताऊँगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखूँगा, इससे फौरन बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बताता जाऊँगा कि मज़ीद इस एक्ट में क्या चीज़ें हैं। तो अभी तो हम डेफिनेशंस पे हैं, डेफिनेशंस में अब आगे है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब है कि कोई बंदा मार्केट में चीज़ बेचे ऐसी जो असल से मुशाबत रखती हो लेकिन वो नकल हो, तो ये भी अलो नहीं करता ये कानून कि कोई भी शॉपकीपर दो नंबर चीज़ रख के वो बेचे, ये कानूनी गुनाह है और इसके ख़िलाफ़ आप जा सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में, उनको नोटिस देके और एक दरख्वास्त आप देंगे, आपके तकलीफ़ का फौरन अजाला हो जाएगा। और दूसरा है इसमें डैमेज। डैमेज में ये अगर कोई चीज़ आपको डिफेक्टिव देता है दुकानदार, उससे आपका माली नुकसान होता है, वो इलेक्ट्रिक चीज़ हो कौन सी भी हो, तो उसका अजाला भी ये कोर्ट फौरी कर देती है, उसके ख़िलाफ़ भी आप एक्शन ले सकते हैं। तीसरा इसमें आता है एंटिटी। एंटिटी का मकसद है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे स्कूल है, कोई जेबिस स्कूल है, अगर वो कुर्सियाँ ख़रीदता है और डिफेक्टिव मिल गई, तो वो एज़ ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से जिनको वैलिड लाइसेंस मिला हुआ हो, वो ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी कहलाती है। वो भी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे कोई भी बंदा जाके कंप्लेंट कर सकता है। तो आज तक के लेक्चर में इतना, अगले कल मैं लेक्चर जो रखूँगा उसमें मज़ीद आपको बताऊँगा कि आगे क्या है और ये फॉल्स और मिस लीडिंग रिप्रेजेंटेटिव वो कैसे होता है।